रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितने ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें।